इसके लिए दोषी अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के अलावे कोई नहीं है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुखौटा मुख्यमंत्री हो गए हैं। असली मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम है तेजस्वी, उन्हीं का शासन चल रहा है। ये धृतराष्ट्र की तरह मोह में पड़े भोरे 4 बजे वहाँ से भागते तो पहले चल गए जो मर गया है चंद्र उसके सर इस घटना को किस रूप में लेते हैं? ये इतना बड़ी घटना हुई है, इसको किस रूप में लेते हैं? अपराधी बेखौफ हो जाए, जब अपराधी का भय समाप्त हो जाए। भय क्यों न समाप्त? नीतीश बाबू समीक्षा करते हो और थाने से अपराधी को निकाल देता है। 7 थाने से गुजरता है, पुलिस आपकी सहायता में लिखा हुआ बोर्ड और 40-50 मिनट तक तांडव कोई नहीं लगाएगा। नीचा रखिए सब लोग माइक। 40-50 मिनट तक तांडव नृत्य होता और नीचा रखूं है लाचार दिखते बोल रहे नीचा रखने को ये लग रहा है सत्ता के नहीं रखोगे नीचा और रखोगे नीचा नीचा रखोगे कम हो गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि आज बिहार जंगल राज के विरोध में नीतीश बाबू आए थे 2005 में। हम लोग आपने उस समय जंगल राज का सफाया भी किया था, बाद में कर लेना। आज जंगल राज का पर्यायवाची आप बना दिए हैं जनता राज, जहाँ बेखौफ अपराधी गोलियां चला रहे हैं। आप आज बिहार में मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है, मुखौटा मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। असली मुख्यमंत्री कोई और है। आप ये सांसद हैं, बेगूसराय के सांसद हैं, सांसद के नाते आप क्या कर रहे हैं इस घटना पर आप क्या पर हम जितना बिहार और बेगूसराय की जनता व्यथित है, हम भी अपने व्यथित परिवार को, दुखित परिवार को, और अब चंदन इस दुनिया में नहीं रहा। मैं बार बार कहता हूँ कि नीतीश बाबू आप मौन धर्म से तोड़ें और आए बाहर और चंदन को पहला करें। उसके पास एक बेटी है, गरीब है, इंजीनियर जरूर था, उसे कम से कम 1 करोड़ मुआवजा, 1 को नौकरी दें। जितने घायल हैं उनको 50 जो लोग अभी चंदन मारे गए उनके लाश को देख करके आया हूँ। उसकी एक छोटी बेटी है, पूरे घर उसी पर आश्रित था, वो इंजीनियर था। और मैं तो कहूँगा कि नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह सत्ता के मोह में ना रहें और आप निकले और उस चंदन जैसे गरीब जिसकी मृत्यु हो गई उसे कम से कम 1 करोड़ रुपया दे और उसकी बेबा को, उसकी पत्नी को, विधवा को नौकरी दे, क्योंकि वो निर्दोष है। और जितने लोग घायल हैं इनको 50-50 लाख रुपया दें